कैसे हो आप सब? सो गाइस, फाइनली पबजी मोबाइल के अंदर से जो एक्सक्लूसिव जो शैडो फोर्स मोड था वो हट चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और ये मोड कितना लोगों को कितना अच्छा लगा आप लोग कमेंट करना। मुझे तो उतना खास ये मोड लगा नहीं है, एक गैप फिलर अपडेट था तो उसके हिसाब से तो ये ठीक है, बट इससे ही बेहतरीन मोड आपको कल से देखने को मिलेगा गेम के अंदर। जो अपडेट है हम लोग का एक दिन से डिले हुआ है, जिसके चलते हम लोग का जो अपडेट है वो आज से रोल आउट होने स्टार्ट होगा। वैसे मैं आपको बताया था 11 तारीख से आने वाला है, बट आज पबजी मोबाइल वियतनाम का अपडेट स्टार्ट होगा और कल तक, हाँ, 2 ही दिन में सब बंदे को मिल जाएगा। इवन पबजी मोबाइल केआर को भी कल ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका पूरा डिटेल में हम लोग बात करें कौन कौन सा टाइम में आपको अपडेट देखने को मिलेगा। बट उससे पहले हम लोग अपकमिंग जो अपडेट आने वाला है उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाला है उसका थोड़ा सा हम लोग स्नीक पीक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग का न्यू अपडेट आते साथ हम लोग का मिथिक फॉज भी रिफ्रेश होकर आता है। तो करेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो मिथिक फॉज इसमें रिफ्रेश नहीं हुआ, बट मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी जल्दी इसमें चेंज हो जाएगा। बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि मिथिक फॉज में क्या क्या चीज़ आपको इस बार पबजी मोबाइल के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप देख पाए मिथिक फॉज आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 6 न्यू आइटम ऐड होते हुए दिखेगा। सबसे पहले आपको रिदम राइडर हेडगियर, रिदम राइडर सेट और उसका मास्क मिल जाएगा, जो कि कम्प्लीटली एनिमेटेड वाला आपको देखने को मिल रहा और काफ़ी बेहतरीन लग रहा। आप लोग कमेंट करना कि यह आउटफिट कैसा लगा। और इसका जो कॉस्ट होने वाला है 10 मेडल का आप इसका आउटफिट निकाल पाओगे और 5 मेडल का इसका आउट हेडगियर और वो वाला मास्क निकाल पाओगे, ठीक है। मेडल नहीं, वो वाला मिथिक फॉज के एम्बलम, ठीक है। उसके बाद आप देख पाओगे आर्मर्ड हाउंड सेट और आर्मर हाउंड हेडगियर आपको देखने को मिलेगा। ये सेट भी आप निकाल सकते हो, 10 और 5 लग जाएगा हेडगियर एंड आउटफिट में। और गोल्डन स्प्लेंडर सेट भी आपको देखने को मिलेगा ये मिथिक फॉज के अंदर। उसके बाद हम लोग को 3 वेपन्स देखने को मिलेगा। चलो एक एक करके मैं दिखा दूँगा कौन कौन सा वेपन। उसके लिए हम लोग इधर चलेंगे लैब में और उसके बाद हम लोग इसमें क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हो जो हम लोग का सबसे बेस्ट गन जो आ रहा है इस बार मिथिक फॉज के अंदर, वो आप देख पा रहे हो 8-बिट यूनिकॉर्न M760 आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट बेहतरीन वाला AR गन आपको देखने को मिल रहा, तो बेसिक अपीयरेंस इधर आपको देखने को मिल रहा। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हो एलिमेशन स्पेशल इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। उसका एडवांस फॉर्म भी नेक्स्ट लेवल है और एलिमेशन ब्रॉडकास्ट तो काफ़ी अच्छा है और फाइनल फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। आप देखो ये गन जो है ये एपिक कैटेगरी का है, तो ज़्यादा मटेरियल का आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो M7 आप खरीद लो और उसके बाद तो आपके पास मिनी मटेरियल आप जोड़ के रखे ही होंगे, नहीं तो AG करंसी अगर है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो और मटेरियल को जोड़ सकते हो। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप कितना, मैं आपको बता देता हूँ 1, 2 और 3, 4, तो 4 मटेरियल का जरूरत पड़ेगा। एटलीस्ट आप किल फिट तक आ जाओ, फाइनल फॉर्म करो नहीं करो उससे फर्क नहीं पड़ता, उतना खास लग नहीं रहा। बट अगर आप एलिमेशन ब्रॉडकास्ट तक भी कर लो तो मोर देन इनफ है, और आपको इसको करने के लिए 4 मटेरियल का जरूरत पड़ेगा जो कि आप कंबाइन करके ले सकते हो, ठीक है। तो मैं तो डेफिनेटली बोलूंगा कि आप पहले M760 पर जाओ, ये गन सबसे अच्छा है और AR कैटेगरी में है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज भी करोगे, ठीक है। किलर ट्यून M24 आपको देखने को मिल रहा, बेसिक अपीयरेंस भी काफ़ी ठीक ठाक से आपको देखने को मिल रहा। एलिमेशन स्पेशल इफेक्ट डिसेंट सा है, उतना खास नहीं लग रहा। एडवांस फॉर्म भी थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसका ग्राफिक्स थोड़ा सा अच्छा कर दिया गया है। उसके बाद आप देखो एलिमेशन ब्रॉडकास्ट, ये एलिमेशन ब्रॉडकास्ट नेक्स्ट लेवल लग रहा है। और उसके साथ साथ आप देखो फाइनल फॉर्म, देखो एडवांस फॉर्म एंड फाइनल फॉर्म में ज़्यादा अंतर नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट अगर आप एलिमेशन ब्रॉडकास्ट तक आ जाओगे तो मोर देन इनफ है ये गन के लिए। पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि M762 पे जाओ, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा एक और गन जो कि UMP होने वाला है और उस पर जा सकते हो, और उसके बाद आप M24 पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये वाला UMP आप देख पा रहे हो 8-बिट ब्लास्ट UMP 45, ये भी हम लोग को मिथिक फॉज में मिलने वाला है। और ये आप देख पा रहे हो इसका बेसिक अपीयरेंस काफ़ी बेहतरीन लग रहा, ये लिटरली नेक्स्ट लेवल लग रहा है, वो M24 से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ एडवांस फॉर्म आप देख पा रहे हो, एडवांस फॉर्म भी काफ़ी बेहतरीन है। उसका एलिमेशन ब्रॉडकास्ट देखो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। मेरे पास भी ये वाला UMP है मेरा मेन अकाउंट में, तो मैं फाइनल फॉर्म उसको किया नहीं क्योंकि इसका फाइनल फॉर्म उतना अच्छा नहीं लग रहा, बट आप देख पा रहे इसका जो एडवांस फॉर्म है ना पर्पल होने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा। तो इसका भी मैं वही रिकमेंड करूँगा कि आप 4 मटेरियल यूज़ करके आप किल फिट तक केवल जाओ, फाइनल फॉर्म नहीं करोगे तब भी चलेगा, उतना भी खास नहीं लग रहा, इतना दूर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले M762, सेकेंड है UMP और थर्ड आप M24 पर जा सकते हो। ये 3 गन मैं आपको दिखा दिया, ये 3 गन और वो आउटफिट जो दिखाया वो आउटफिट के साथ आने वाला मिथिक फॉज में, तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप ले सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ जो हम लोग गेम के अंदर जो ग्रोथ पैक आपको देखने को मिल रहा है, ये जो ग्रोथ पैक आपको देखने को मिल रहा है, ये अभी जो इसका लुक है अभी कुछ इस तरह का है, बट ये अपडेट के बाद ये जो ग्रोथ पैक है इसका लुक चेंज होने वाला है। इधर आप देख पा रहे इसका भी लिंक हम लोग के पास आ चुका है। तो इधर आप देख पाए न्यू वाला ग्रोथ पैक आपको देखने को मिला, जिसमें 3 पैक वापस से आपको देखने को मिला, उसमें चेंजेस नहीं है। बट जो हम लोग का रिवॉर्ड लेने का तरीका है ना वो अलग कर दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो
लॉग इन करोगे तो आपको इस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा। पहले हम लोग को साइडवेज ड्रैग करना पड़ता था, अभी नीचे से ड्रैग कर सकते हो, और साइज से हम लोग का रिवॉर्ड थोड़ा सा कम कर दिया गया है, ठीक है। तो अब ये देख लेना, इधर आप देखो मिनी मेटल वाला पैक आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको मिनी मेटल मिलेगा, डेली बेस में लॉग इन करोगे और मेन रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा 180 UC दिख रहा है। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हो एक एजी करेंसी वाला भी बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, उसमें भी डेली बेसिस में आओगे तो एजी करेंसी और यूसी मिलेगा लॉग इन करने से। तो ये इंटरफेस थोड़ा सा और क्लीन लग रहा है, अभी वाला इंटरफेस जो है 3.0 में वो उतना खास कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। और इसमें कुछ एक नया चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, 50% रिवर्ट, 33% रिवर्ट। तो वापस से ये चीज़ आ जाएगा ना, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसका 0 UC का पैक आपको दिखाई दे रहा, तो मैं वापस दिखा दूंगा जब ये आएगा अच्छे तरीके से। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दिया, ठीक है। तो ये ग्रोथ पैक का आप देख पर मिथिक फॉर्ज का भी एम्बलम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग का जो 17 तारीख को न्यू वाला रॉयल पास आएगा ना, उसमें ये वाला परचेज बोनस आपको देखने को मिलेगा और इवन A6 रॉयल पास भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ अपकमिंग इवेंट्स में आपको दिखा दिया जो कि ये एनिवर्सरी अपडेट में देखने को मिलेगा। ग्रोथ पैक वापस से दिखा दूंगा जैसे ही वो पूरा पूरी हम लोग के पास इवेंट आ जाएगा और पूरा डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप देख पा रहे हो ये हम लोग का अपडेट शेड्यूल आ चुका है, तो एक दिन से ये डिले हुआ है अपडेट, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सबका सब टाइम इंडियन टाइम है, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट कर लेना, अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो, नेपाल या बांग्लादेश से देख रहे हो, तो आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। इधर देखो वियतनाम वर्जन आप देख पा रहे हो, अपडेट जो रोल आउट होगा दोपहर के 12:30 से स्टार्ट होगा और आप देख पर 100% हम लोग को 4:30 तक मिल जाएगा। तो आज शाम 4:30 तक सब बंदे को बोल सकते हो वियतनाम वर्जन का अपडेट मिल जाएगा। तो आप अगर वियतनाम डाउनलोड करना चाहते हो तो मुझे अगर लिंक मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो में, और नहीं तो आप ग्लोबल वर्जन का वेट कर सकते हो, क्योंकि इस बार आपको ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 2 ही दिन में विदाउट वीपीएन वाला सेटअप मिल जाएगा, ठीक है। कोरियन वर्जन जैसे कि बताया एक दिन डिले हुआ, तो कल सुबह 7:30 बजे आपको कोरियन वर्जन देखने को मिलेगा, कोरियन जापान वर्जन। और कोरियन वर्जन का आपको पता है एकदम पंचुअल होता है, iOS और Android एक ही साथ आता है, तो 7:30 बोल दिया हूँ तो 7:30 के अराउंड ही आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको कल भी एक वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो ताइवान रीजन में आप देख पा रहे हो कल ही आपको देखने को मिलेगा सुबह 8:30 बजे तक, और ग्लोबल वर्जन जो है ना वो सुबह कल 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे सब बंदे को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ कुछ को तो आज ही से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और 100% कल दोपहर 3:30 तक सब बंदे को मिल जाएगा वो प्ले स्टोर वाला सेटअप ग्लोबल वाला, ठीक है। जैसे कि बताया जस्ट 2 ही दिन में लोग अपडेट सबको दे देंगे, तीसरा दिन आपको वेट करने का जरूरत नहीं है। ऐप स्टोर का भी वैसा ही है, शाम 4:30 के आसपास आपको वियतनाम वर्जन में मिल जाएगा, ऐप स्टोर में 100% ही मिलता है, उसमें आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। और उसके बाद आप देखो कोरिया जापान के जैसे बताया कि एंड्रॉयड प्लस बोल सकता है एक ही टाइम पे आएगा 7:30 बजे कल सुबह को, ताइवान का भी 8:30 बजे देखने को मिलेगा, ग्लोबल का भी कल 3:30 तक सब बंदे को मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी स्टोर में आप देख पा रहे हो कोरिया जापान में कल 8 बजे तक आ जाएगा, ग्लोबल वर्जन जो है 9:30 तक आ जाएगा, और उसके साथ साथ अमेजोन ऐप स्टोर आप देख पा रहे हो उसमें भी आप देख पा 9:30 तक आ जाएगा, ठीक है। हुवाई का भी आप देख पा रहे हो कल 9:30 तक सब बंदे को मिल जाएगा, बट जो सबसे मेन जो चीज़ है वो हम लोग को चाहिए वो है विदाउट वीपीएन सेटअप। तो ऐसे तो टाइम दिया गया है कि कल दोपहर 3:30 तक मिल जाएगा विदाउट वीपीएन सेटअप, अगर मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, सो डैट आप उधर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं टेलीग्राम में अपलोड करूंगा और उसका थोड़ा टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, थोड़ा आपको सबसे पहले सेटअप मिल जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो आज के वीडियो को हम लोग इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच गाइस। और कुछ इवेंट या लीक्स आता है तो मैं एक और वीडियो बना के दूंगा, इवन प्रीमियम क्रिएट का भी लिंक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।